इन दिनों बिग बॉस OTT 2 काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें दो दो बड़े यूट्यूबर्स के साथ कई अन्य टीवी और फिल्मों के सेलेब्स नजर आ रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा ध्यान एल्विश यादव और फुकरा इंसान ने ही खींचा है। अब बीते एपिसोड में जो हुआ उसके बाद हम आज आपको एल्विश के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जब से एल्विश यादव की शो में एंट्री हुई है तब से ही बिग बॉस OTT 2 का अच्छा खासा बज बना हुआ है। एल्विश यादव ने इस शो में 4 चांद लगा दिए। उनके गेम प्ले की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में आए एपिसोड में सलमान खान ने सभी घर वालों की जमकर क्लास लगाई थी। इस दौरान बॉलीवुड के भाईजान ने एल्विश यादव को भी ट्रोल किया, लेकिन अब ट्विटर पर लोग सलमान खान को खरी खोटी सुना रहे हैं। 29 जुलाई यानी शनिवार को हुए वीकेंड के वार एपिसोड में सलमान ने एल्विश यादव को एक वीडियो दिखाया था। इस क्लिप में एल्विश यादव मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान के साथ बेबिका धुर्वे की बात कर रहे थे। इस दौरान एल्विश यादव ने बेबिका के बारे में कुछ गलत कहा था। इसी पर सलमान खान गुस्सा हो गए और बाद में सलमान ने एल्विश यादव को अच्छे से समझाया। इसके अलावा सलमान ने एल्विश के फैंस पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा, तुम अपने फैंस की फौज पर इतना घमंड क्यों करते हो? क्या तुम उन्हें फॉलो करने के लिए पैसे देते हो? इसके बाद एल्विश ने जवाब दिया कि उनके फैंस उन्हें कुछ पैसे नहीं देते। एल्विश के फैंस को सलमान खान का ये अंदाज पसंद नहीं आया। ट्विटर पर लोग सलमान खान को जमकर ट्रोल करने लगे। आज सुबह से ही एल्विश यादव ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। सलमान को एल्विश के फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सलमान की ये बातें एल्विश के फॉलोअर्स को नागवार गुजरी है, जिसके बाद वो शो की रेटिंग्स कम करने की मांग कर रहे हैं। जहां एक तरफ लोग सलमान खान का सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ एल्विश यादव का साथ दे रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच जिस पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो पोस्ट किसी और का नहीं बल्कि कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का बताया जा रहा है। बता दें, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये वायरल पोस्ट क्या सच में गोल्डी बराड़ या उसके किसी सहायक ने लिखा है। आपको बता दें, गोल्डी बराड़ वही है जिसने सलमान खान को धमकी भरा खत भेजा था। अब ये पोस्ट गोल्डी बराड़ का है कि नहीं है, इस बात की पुष्टि तो जांच के बाद ही होगी। लेकिन एक बात तो तय है, सलमान खान ने एल्विश को लेकर जो कुछ भी कहा उस वजह से अब सोशल मीडिया पर सलमान खान की जमकर आलोचना हो रही है।